हेलो दोस्तों, शिक्षा धन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एसएससी और रेलवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा है, बट उनको काउंट कैसे करें, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आज हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट से, इन क्वेश्चन से सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ बेसिक्स पे बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में तीन पार्ट आते हैं जिनको इंक्लूड करके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सबसे पहले हम आज ट्रायंगल की बात करेंगे कि ट्रायंगल को कैसे गिना जाए एक फिगर में। जैसे केस नंबर वन देखिए, ये एक ट्रायंगल है, सिंपल फिगर है, आप सबको पता है तीन ट्रायंगल है, कैसे, एक इधर और एक पूरा। बट हम इसको एक शॉर्टेज अप्रोच तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, हम इसको काउंटिंग जैसे नाम दे देते हैं, वन और टू, हम इन दोनों को जोड़ को आपस में ऐड करके लिख देंगे, कितना आ गया, थ्री। सिमिलरली यहां पे कितने ट्रायंगल हैं, वन टू थ्री, इन सबको जोड़ दो, जितना जोड़ के आएगा ट्रायंगल, जितना नंबर आएगा उतना ही ट्रायंगल होगा, जैसे थ्री प्लस टू प्लस वन इक्वल टू सिक्स। सेम टाइप के फिगर आगे है, जितने लाइन्स बन रही है उतने नंबर लिख के उसको उतना जोड़ दिया गया, वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल कितने हो गए, 5, 5, 10, 15। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल हो गए, 15। इस फिगर में कितने हो गए, 6। इस फिगर में कितने हो गए, 3। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसी ट्राइंगल को हमने बीच में लाइन कह दी, अब ट्राइंगल बदल जाएंगे, नीचे हमने इस टाइप में देखा कि तीन ट्राइंगल थे, तो तीन ऊपर भी बनेंगे छोटे वाले, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। बट ऐसा ना करते हुए हम सिंपल से नंबरिंग करते हैं, वन और टू, जैसे ऊपर करी थी, तो टोटल ट्राइंगल कितने होंगे, थ्री। और जितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, जितने पार्ट्स में उतना इसको मल्टीपल कर देना है, जैसे कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, टू पार्ट्स में, इनटू टू कर दिया, कितने ट्राइंगल हो गए टोटल इसमें, सिक्स। सेम चीज यहां पे, वन टू थ्री फोर, टोटल कितने ट्राइंगल हो गए हमारे पास, फोर और फोर एट और टेन। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उतना हमें मल्टीपल करना है, वन टू थ्री, टोटल कितना ट्राइंगल हो गए इस पार्ट में, 30। तो इसमें ये हमने डिफरेंस दिखा, हमने सिर्फ एक बीच में लाइन कह दी और जितने पार्ट में डिवाइड रहा उतने में से मल्टीप्लाई कर दिया। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, जितने पार्ट्स में ऊपर वाली फिगर डिवाइड हो रहे उनको हमने लिखा और ऐड कर दिया, और नीचे में क्या था, हमने ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया, तो जितने पार्ट में डिवाइड किया उतना ही हमने इसको मल्टीपल्स में लिख दिया। अब ऐसे स्क्वायर टाइप में एक फिगर काउंट करने को आती है कि ट्राइंगल बताओ इसमें कितने हो रहे, तो इसके ट्रिक क्या होगी, हम सीधे नंबर दे देते हैं, वन टू थ्री फोर, और इसका डबल करना है, हर बार डबल करना है, जितने नंबर्स आएंगे उनका डबल करना है, फोर का डबल एट, तो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, एट। सिमिलरली यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब एट बॉक्सेस आ रहे हैं, एट ट्राइंगल आ रहे हैं, तो इसका डबल एट इंटू टू सिक्सटीन, इस टोटल में कितने ट्राइंगल होंगे, सिक्सटीन। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं जो कि है स्क्वायर। ट्रायंगल हमने बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, स्क्वायर पे आते हैं। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग का फॉर्मूला हमने जैसे सबको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों की भुजा की गुणा भुजा से होता है। अब जैसे पहले नंबर फिगर पे आया, हम देखा कि इसमें कितने स्क्वायर है, काउंट कैसे की जाए, देखो इसको तो कोई भी गिन लेगा, कितने हैं, जैसे एक दो तीन चार पांच, ये सबको दिख रहा है पांच है, बट उस फिगर में गिनना थोड़ा सा दिक्कत है। ऐसे गिनने के बजाय हमारे पास शॉर्टेस्ट ट्रिक होती है, शॉर्टेस्ट अप्रोच होती है, जिससे कि हम स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। कैसे, रोज एंड कॉलम्स को नंबरिंग दे दो, इसकी रो कितनी है, वन टू, ये कॉलम कितना है, टू, वन ये हो गया, टू ये हो गया। रो की सबसे बड़ी वाली वैल्यू और कॉलम की सबसे बड़ी वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू टू, फिर सब में से एक एक लेस करते चले जाना है, वन इंटू वन, अब इसके पीछे नहीं जाएंगे, तो वन के पीछे जीरो, तो इसका मतलब जीरो मीन जीरो, जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही वैल्यू आएगी, तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए इसमें, फाइव। सिमिलरली ऐसे यहां भी करेंगे, रोज को नंबरिंग दे दो, वन टू थ्री फोर, कॉलम्स को वन ये हो गया, टू एंड थ्री। तो मैंने क्या बताया था थोड़ा सा पहले, रो की सबसे बड़ी वैल्यू और कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फोर इंटू थ्री, फिर वन वन लेस करते चले जाना है, थ्री इंटू टू, इसमें से वन लेस, इसमें से वन लेस, फिर
टू इंटू वन, अब वन के पीछे नहीं जा सकते क्योंकि वन पे वन से वन लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, बारह छह एंड आठ, बारह छह एंड दो, टोटल कितना हो गया, ट्वेंटी, ट्वेंटी स्क्वायर हो गए। अब सेम यही रूल, यही ट्रिक अप्लाई करेंगे फिगर नंबर थ्री पे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब यहां कितने कॉलम्स हैं, वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर एंड फोर ईयर। कॉलम की सबसे बड़ी वाली वैल्यू और रो की सबसे बड़ी वैल्यू वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फाइव इंटू फोर, इन दोनों से वन वन लेस करते हुए वहां तक जाना है जहां तक जीरो ना आ जाए, थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू वन, अब पीछे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा तो इसलिए नहीं करेंगे। अब इन सब को गुणा करो, बीस बारह छह और दो, ट्वेंटी ट्वेंटी यानी क्या हो जाएगा, फोर्टी। ये तो हमारे स्क्वायर के बेसिक केस थे। अब इस वाली फिगर में जरा ध्यान दिया जाए तो डबल स्क्वायर के केस है। हमने देखो बच्चों ये क्या किया था, इसी स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर सबमर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, इसी के अंदर एक और स्क्वायर बना दिया। इस वाले में कितने थे, पांच थे, तो बाहर वाले में कितने होंगे, पांच। सेम स्क्वायर सेम फिगर हमने अंदर सुपर इम्पोज कर दी तो अंदर वाले में कितने होंगे, पांच। अब ये दोनों आपस में मिक्स करके कोई दूसरा स्क्वायर नहीं बनाएंगे क्योंकि हम बाहर वाले काउंट कर चुके हैं और अंदर वाले भी हमने काउंट कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने होंगे, टेन। जैसे हम लास्ट पार्ट में हमने स्क्वायर डिस्कस कर लिया था, उससे लास्ट पार्ट में ट्रायंगल डिस्कस कर लिया था, अब बचा कौन सा हमारा, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल मतलब हिंदी में आयत, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सेम चीज जैसे हम स्क्वायर में करते थे इसमें भी करेंगे, बट तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, सबसे पहले हमें यहां फोकस करना है, बॉक्स को नंबरिंग दे दिए, वन टू वन एंड टू। अब लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला होता है तो हमें क्या करना है, इसकी टोटल लंबाई से इसकी टोटल चौड़ाई को गुणा करना है। टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी, तीन, टोटल चौड़ाई कितनी होगी, तीन, तो टोटल नंबर ऑफ आयत कितने हो गए इसमें, नाइन। सेम चीज यही करेंगे, नंबरिंग दे देते हैं, वन टू थ्री फोर, वन टू एंड थ्री। टोटल लंबाई से कितनी होगी बच्चों, चार तीन सात और तीन दस, दस। और टोटल चौड़ाई कितनी होगी, तीन और दो छह और एक, तीन और दो पांच और एक छह, टोटल कितना हो गया, सिक्सटीन। तो कितने आयत कितने रेक्टेंगल से इसमें, सिक्सटीन। सेम चीज वहां पे, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू एंड थ्री। टोटल लंबाई कितनी होगी बच्चों इसकी, पंद्रह, एंड टोटल चौड़ाई कितनी होगी, सिक्स। तो कितने आयत हो गए यहां पे, नब्बे। हम रेक्टेंगल काउंट करके सीख चुके थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में ऐसे सीम पूछ लेते हैं, ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है, यानी कि रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर। जैसे हम थर्ड फिगर में देखते हैं, हमने टोटल रेक्टेंगल काउंट कर चुके हैं, यानी कि ये हम टोटल रेक्टेंगल है हमारे, टोटल रेक्टेंगल। अब इसमें दो स्क्वायर को मिलाकर रेक्टेंगल बनता है, इसमें कुछ स्क्वायर भी इंक्लूड होंगे, तो स्क्वायर कैसे काउंट करें, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर कैसे काउंट करें। स्क्वायर कैसे काउंट करें, ये वाली साइड की सबसे बड़ी वाली वैल्यू और इस साइड की सबसे बड़ी वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू थ्री, फिर इन दोनों में से वन वन लेस करते हुए पीछे जाना है, 4 इंटू टू, 3 इंटू वन। अब वन आ गया, वन के पीछे जा नहीं सकते क्योंकि जीरो हो जाएगा, करते हैं काउंट, 15, 8 एंड 10, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 15 26। तो इस फिगर में हमारे स्क्वायर्स कितने हो गए, 26, रेक्टेंगल कितने हो गए, 19। तो रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल में से जो स्क्वायर हमारे आए उसको माइनस कर दिया जाए, आंसर क्या आ जाएगा, 64। ऐसे कितने आयत हैं जो कि स्क्वायर नहीं है उसका आंसर आ गया 64। हमने स्क्वायर क्यों निकाला, क्योंकि दो स्क्वायर को बना के एक रेक्टेंगल बनता है। पेपर में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ऐसे कौन से रेक्टेंगल है जो स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, टोटल रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर वाले तरीके से स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को आपस में लेस करके वो वाली वैल्यू आंसर आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा धन। थैंक यू।